स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा जा रहा है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं और इनमें जो भी परिणाम हम देख सकते हैं उन परिणामों को लिखना है तो चलिए सबसे पहला हमारा जो ए है हम लोग इस ए के लिए लिखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस ए के लिए इसमें क्या कहा जा रहा है पहिए को घुमाना तो लिख दीजिए पहिए को घुमाना जब हम लोग इस पहिए को घुमाएंगे तो हमें कौन कौन सा रिजल्ट मिलेगा हमें वही बताना हमें कौन कौन सा परिणाम मिल सकता है हमें वही बताना है तो लिख दीजिए पहिए को घुमाना तो पहिए को घुमाने पर हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए स्टूडेंट जब हम लोग इस पहिए को घुमाएंगे तो यहाँ पर एरो वाला जो आप साइन देख रहे हो ए बी पर भी रुक सकता है तो हमें परिणाम के रूप में बी भी मिल सकता है सी पर भी रुक सकता है सी पर सी भी में परिणाम के रूप में मिलेगा ए जहाँ पर रुकेगा वहीं पर हमें परिणाम मिलेगा और जब हम इसको घुमाएंगे तो ए कहीं पर भी रुक सकता है कोई जरूरी नहीं ए ए पर ही रुके बी पर भी रुक सकता है सी पर भी रुक सकता है डी पर भी रुक सकता है तो यहाँ से अगर हम लोग परिणामों की बात करें तो हमारे पास परिणाम क्या हो जाएगा ए बी सी डी तो हमें परिणाम के रूप में क्या क्या मिलेगा ए मिलेगा बी मिलेगा सी मिलेगा डी मिलेगा और इसके अलावा क्या आप लोग और कुछ पा सकते हो परिणाम के रूप में नहीं तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ पे जो हमारा बी नंबर है हम लोग इस बी नंबर के लिए सॉल्व करते हैं तो हमसे क्या कहा जा रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना तो लिख दीजिए दो सिक्कों को आपके पास समझिए दो सिक्के हैं और दो सिक्के एक ही शायद के समझिए हमारे पास कोई एक रुपए के दो सिक्के हैं दो रुपए के दो सिक्के दो सिक्के हैं आप लोग कोई भी दो सिक्का लीजिए तो लिखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जब हम लोग दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमें क्या क्या परिणाम मिल सकता है हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा हमें ओ रिजल्ट बताना है तो स्टूडेंट समझिए आपके पास दो सिक्के हैं और आपने सिक्कों को उछाला तो जब आप सिक्कों कुछ इस तरीके से उछालेंगे तो हमारे पास दो सिक्के हैं तो परिणाम क्या आ सकता है हो सकता है कि पहले वाले सिक्के पर हेड आए और जो हमारा दूसरा वाला सिक्का है दूसरे वाले पर भी क्या आ जाए हेड आ जाए यानी कि क्या आ रहा है? हेड, और हेड आ रहा है चलिए अब फिर हमने जब सिक्के को उछाला देखिए एक तो परिणाम हमारा हेड हेड हो सकता है कि पहले वाले पर भी हेड आए दूसरे वाले पर भी हेड आए फिर आगे देखते हैं हमारे पास दो सिक्के हमने दोनों को उछाला एक पर हमारा हेड आ गया दूसरे पर हमारा क्या आ गया टेल आ गया फिर हमने सिक्के को उछाला अब जब सिक्के को हम उछाल रहे हैं हो सकता है हमारा पहले पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हमारा क्या आ जाए टेल और टेल आ जाए तो आप लोग बताइए क्या इसके अलावा हमें और भी कोई परिणाम मिल सकता है नहीं मिल सकता तो दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो परिणाम क्या आ सकता है हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल तो इसको आप लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हो हेड हेड आ रहा पहले पे हेड दूसरे पर हेड, पहले पर हेड आ रहा दूसरे पर टेल आ रहा पहले पर टेल आ, आ रहा दूसरे पर हेड आ रहा या फिर दोनों पर क्या आ जा रहे हैं टेल आ जा रहे हैं तो इस तरीके से ये जो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है भी हो सकता है तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो तो स्टूडेंट हमारे पास परिणाम क्या आएगा क्या आ सकता है हमने उसको इसके लिए राइट कर दिया तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है को हमने इस तरीके से सॉल्व किया चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो हमारे पास कोई पासा है और जब हम लोग पासे को फेंकते हैं तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए यानी कि जब हम एक पासा फेंकते हैं तो यहां पर हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं घटना दी गई है और इन घटना से जो भी हमें प्राप्त होने वाले परिणाम हैं, हमें उन परिणामों को बताना तो चलिए हम लोग इसके लिए सोल्यूशन लिखते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहां पर देखिए एक अभाज्य संख्या तो पहली स्थिति क्या है एक अभाज्य संख्या फर्स्ट नंबर का ए है एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या तो स्टूडेंट जब हम लोग पासे को उछालेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है हमारा पासा समझिए कुछ इस तरीके से होता है आप लोग समझ लीजिए जो हमारा पासा होता है कुछ इस तरीके से होता है और इस पे नंबर मेंशन होते हैं इस तरीके से हमारा क्या होता है पासा होता है अब पासे में कितने फलक होते हैं छह फलक होते हैं और छओ फलकों पर नंबर लिखे होते हैं देखिए अगर हमारा यहाँ पर वन होता है तो यहां पर सिक्स होता है इस तरीके से नंबर होते हैं आप लोग पासे को देखना अगर यहां पर हमारा फोर है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है थ्री होता है इसी तरीके से अगर फ्रंट वाले पे हमारा दो है अगर फ्रंट वाले पर हमारा दो है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा उस पर कितना अंकित होता है पांच होता है अब अगर एक पासे में हम लोग की बात करें, तो दो होता है, तीन होता है और पांच होता है ऐसी संख्या जो स्वयं और वन के अलावा और किसी से नहीं कटती है तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है अभाज संख्या तो जब हम लोग पासे को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या में प्राप्त करने की बात कही जा रही है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की बात कही जा रही है तो एक अभाज्य संख्या के रूप में हमें दो भी मिल सकता है तीन भी मिल सकता है और पांच भी मिल सकता है तो हमें पर्याप्त के रूप में क्या मिल सकता है दो तीन और पांच ए हमारा क्या हो गया इस ए नंबर का सॉल्यूशन हो गया चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं देखिए फर्स्ट में ए हमारा एक अभाज्य संख्या हो गई इसके लिए बी देखिए क्या दिया है इसके बी का सॉल्यूशन हम देखते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं है एक अभाज्य संख्या नहीं है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमें परिणाम के रूप में अभाज्य संख्या नहीं चाहिए तो जो भी बची हुई संख्याएं होंगी वही हमें परिणाम के रूप में मिलेंगी एक अभाज्य संख्या नहीं अब देखिए हमें दो तीन पांच के अलावे जो भी संख्याएं हमारी बच रही दो तीन पांच तो हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई तो एक पासे पर इन संख्याओं के अलावे हमारी जो नंबर्स हैं अब हमें ओ चाहिए यानी कि हमें वन चाहिए और फोर चाहिए और सिक्स तो वन फोर सिक्स हमें मिले अब आगे देखते हम लोग चलिए इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं सेकंड नंबर पर देखिए क्या कहा जा रहा है पांच से बड़ी एक संख्या तो आप लोग बताइए एक पासे में पांच से बड़ी एक संख्या क्या हो सकती है पांच से बड़ी हमारी छह ही होती है पासे में तो पांच से बड़ी एक संख्या प्राप्त करनी है तो इसके लिए जो हमारा परिणाम होगा वो क्या होगा सिक्स होगा तो लिख दीजिए पांच से बड़ी एक संख्या तो यहां पर हमें क्या मिलेगा पांच से बड़ी सिक्स ही होगा तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा सिक्स चलिए अब हम लोग इसके बी नंबर पे चलते हैं इसका बी नंबर आप देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है पांच से बड़ी संख्या नहीं है पांच से बड़ी संख्या नहीं है तो स्टूडेंट अब हमें क्या प्राप्त करना है पांच से बड़ी संख्या नहीं है अब हमें पांच से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं करनी है तो एक पासे पर पांच से छोटी संख्याएं क्या क्या होती हैं आप लोग बताइए पांच से छोटी वन होगा टू थ्री फोर फाइव बराबर है तो ए भी हो सकता है तो पांच से बड़ी नहीं होनी चाहिए बराबर भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर दो है क्वेश्चन नंबर दो का सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया है चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं तीन में देखिए क्या करना है ज्ञात करना ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है इसका आप, आप लोग ए नंबर देखिए इसमें कहा जा रहा है प्रश्न वन ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है वन का ए है इसमें ए जो सूचक है यहाँ पर हमने बना लिया है ए आप देख रहे हो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन का ए है और इसमें ये जो सूचक है इस सूचक के डी पर रुकने की हमें प्रायिकता बतानी ए सूचक डी पर आकर के रुकेगा इसकी प्रायिकता क्या है तो चलिए हम लोग जो हमारा तीन नंबर है तीन नंबर के ए को सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए प्रायिकता निकालने के अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो जो हमारी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा जो कोई इवेंट है कोई घटना है उसके अनुकूल परिणाम की संख्या तो यहां पर इसको हम घुमा रहे हैं तो यही हमारा इवेंट हो गया इसमें डी प्राप्त करने के हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने एक ही है तो लिख दीजिए अनुकूल परिणाम की संख्या डी प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या अपॉन में क्या हो जाएगा सभी संभव जो हमारे परिणाम हैं इनकी संख्या तो लिख दीजिए प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या परियोग में सभी संभव परिणामों की संख्या ए हमारा स्टूडेंट क्या होता है फॉर्मूला होता है परिणामों की संख्या अब यहां पर देखिए अनुकूल परिणाम हमें डी प्राप्त करना है तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता में बतानी है सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता में बतानी है तो ए जो सूचक है इसमें से किसी पर भी रुक सकता है हमें डी पर रुक, रुकने की प्रायिकता क्या है ए बताना है तो अनुकूल परिणाम डी प्राप्त करने का क्या है एक है डी हमारा कितनी बार आ सकता है एक ही बार आ सकता है तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो गई अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो गई वन आ गई अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जो प्रयोग है इस प्रयोग में संभव परिणाम क्या है देखिए हमारा ए भी आ सकता है बी आ सकता है सी आ सकता है डी आ सकता है और यहाँ पर देख सकते हैं फिर से ए तो अगर हम लोग इसके संभव परिणामों की संख्या की बात तो वो क्या है देखिए दो दो चार एक पांच तो संभव परिणामों की संख्या क्या हो गई फाइव और यहाँ से अगर हम लोग सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता की बात करें तो वो हमारी क्या है वन अपॉन फाइव हमारा क्या हो गया यही हमारा सॉल्यूशन हो गया चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तो है? गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने ताशों की गड्डी को देखा होगा तो इसमें बावन पत्ते होते हैं बावन पत्तों में से अगर हम लोग इक्के की बात करें तो हमारे पास चार इक्के होते हैं कितने इक्के होते हैं चार इक्के होते हैं तो ये समझिए हमारी क्या होगी? बावन तासों के पत्तों की गड्डी हो गई और इस गड्डी में चार इक्के होते हैं और हमें कोई एक इक्का एक... प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है तो लिख दीजिए एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता प्रायिकता तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझिए अब प्रायिकता कैसे निकालते हैं सबसे पहले जो अनुकूल परिणामों की संख्या होती है हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या को लिखते हैं लिख दीजिए अनुकूल इक्का प्राप्त करने के जो अनुकूल परिणाम है अनुकूल परिणामों की संख्या और ये जो प्रयोग है इसमें सभी संभव परिणामों की संख्या तो लिख दीजिए सभी संभव परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या अब यहां से देखिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई चार इक्के में से कोई भी आ सकता है पूरे ताश की गड्डी में से कितने पत्ते हैं बावन पत्ते हैं तो बावन पत्ते में से चार में से कोई इक्का आ सकता है तो यहां पर अगर हम लोग अनुकूल परिणाम की बात करें तो अनुकूल परिणाम कितने चार हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई चार सभी संभव परिणाम तो भाई पत्ते हैं बावन पत्ते में से कोई भी आ सकता है तो ये हमारे संभव परिणाम है तो चार बटे में बावन चार से काट दीजिए चार एक के चार और यहां पर आ जाएगा तेरह तो यहां से अगर हम लोग एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता की बात करें तो एक इक्का प्राप्त करने की जो हमारी प्रायिकता है है एक बटे तेरह क्या है एक बटे में तेरा तो स्टूडेंट इस, इस तरीके से ए जो हमारा क्वेश्चन 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 नंबर 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 थर्ड थर्ड है इस के हमने और बी को सॉल्व किया चलिए अब लोग इसके सी नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा तो देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा इसमें क्या कहा जा काजर आप लोग इसको पढ़िए एक लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए यहां पर हमें एक आकृति दी गई है और इस आकृति से हमें एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी लिखिए एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता करने की प्रायिकता तो स्टूडेंट आप लोग इसको ध्यान से देखिए इसमें हमारे पास लाल सेब प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने देखिए एक दो तीन चार इसमें से चार बार ऐसा हो सकता है कि हमें लाल सेब मिले चार बार होगा कि हमें लाल सेब मिलेंगे तो यहां से अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई चार और सभी संभव परिणाम अब भाई ग्रीन वाला भी आ सकता है तो एक दो तीन चार पांच छः सात तो यहाँ से क्या हो जाएगा चार बटे में सात तो यहाँ से अगर हम लोग एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता की बात करें तो इन सातों में से चार बार ऐसा होगा जब हमें लाल सेब मिलेगा तो यानी कि एक लाल सेब प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो चार बटे सात है तो यही हमारा क्या हो गया यही हमारा आंसर हो गया यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्राय तक कितना आसान है चलिए अब लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए दस पृथक पर्चियों पर एक से दस तक संख्याएं लिखी गई हैं हमारे पास दस अलग अलग पर्चियां हैं आप लोग इस तरीके से बना लीजिए समझिए हमारी क्या है दस पर्ची हम लोग दस पर्ची बनाएंगे और इसके माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हम लोग दस पर्ची बना लेते हैं चार हो गई हमारे पास पांच छ सात आठ नौ ये हमारे पास दस पर्चियां हो गई और दस पृथक पर्चियों पर एक से दस तक संख्याएं लिखी गई संख्या भी आप लोग राइट कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो दस तक एक से दस तक संख्याएं लिखी गई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या तो वैसे हमने लिखा एक पर्ची पर एक संख्या आगे देखिए क्या कहा जा रहा है उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया समझिए हमारी जो पर्चियां हैं, इन पर्चियों को हमने एक बॉक्स में रख दिया और रखने के बाद ऐसे हमने इसको आगे पीछे करके एकदम मिला दिया हमें पता नहीं कौन से नंबर की पर्ची कहां पर गई अब देखिए बॉक्स के अंदर से तो बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है अब समझिए हमारा जो स्टूडेंट है वो सोते हुए गया ऐसे हाथ डाला बैग से एक पर्ची निकाल लिया अब उसको तो पता है नहीं उसके हाथ में कौन से नंबर की पर्ची आई है तो इसी तरीके से देखिए निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है तो हमें प्रायिकता बतानी है यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में क्या कहा जा रहा है इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं तो संख्या छः प्राप्त करना तो संख्या छह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहां पर लिखिए संख्या छे प्राप्त करने की प्रायिकता संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता तो स्टूडेंट ये जो संख्या छे है इसको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी तो जो हमारी प्रायिकता है प्रायिकता को निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जो भी हमारे अनुकूल परिणाम है यानी कि जिस नंबर की बात कही जा रही है यहाँ पर देखिए संख्या छः की बात कही जा रही है तो अगर हम लोग इसमें से देखें तो छ हमारा केवल एक ही बार आएगा और संभव परिणाम कितने दस हैं तो दस में से छ कितनी बार आएगा एक बार तो संख्या छः प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी एक बटे में दस तो यहां से लिख दीजिए फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिए छह प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या इसके अनुकूल परिणामों की संख्या छह को प्राप्त करने की ठीक है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या जितने भी संभव परिणाम हैं, तो लिखिए सभी संभव परिणामों की संख्या तो स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए अब छे को में प्राप्त करना है छे को प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने देखिए केवल और केवल एक ही अनुकूल परिणाम है हमारे पास केवल और केवल एक ही बार आ सकता है तो यहाँ पर छे को प्राप्त करने के अगर हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या की बात करें तो हमारे पास वन हो जाएगा सभी संभव परिणाम कितने देखिए एक भी आ सकता है दो भी आ सकता है तीन भी आ सकता है चार भी आ सकता है पांच भी आ सकता है केवल इनमें से एक ही बार ऐसा होगा कि हमारा छ आएगा कितने में से दस में से तो यहां से एक बटे हमारा क्या हो गया अपॉन हमारा क्या हो गया संख्या को प्राप्त करने की हमारी प्रायिकता हो गई और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है छे से छोटी एक संख्या प्राप्त करना अब हमसे बात कर रहा है छह से छोटी तो हम लोग इसको भी लिखते हैं छे से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता तो ये हमारा सेकेंड नंबर है लिख दीजिए छह से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता एक संख्या प्राप्त करने की की प्रायिकता तो छह से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी फॉर्मूला है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग इसको देखिए इसमें से हम लोग हमें कितना अनुकूल परिणाम मिलेगा छह से छोटी संख्या प्राप्त करने के हमारे पास अनुकूल परिणाम देखिए कितने हैं भी आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है फोर भी आ सकता है भी आ सकता है तो वन टू तो थ्री फोर फाइव ये हमारी कैसी संख्या छह से छोटी संख्याएं हैं है। तो अगर हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या की बात करें एक दो तीन चार पांच तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे पांच कितने में से देखिए कितने में से सभी संभव परिणाम कितने दस है तो दस में से तो पांच इक्के पाँच पाँच दोनों दस और अगर हम लोग छे से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता की बात करें तो हमारी क्या है वन अपॉइंट टू है तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया चलिए हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए थर्ड नंबर में हमसे क्या पूछा गया है छ से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना अब हमें छे से बड़ी एक संख्या प्राप्त करनी है तो लिखिए छे से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता छे से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता प्राप्त करने की अब स्टूडेंट हमें संख्या छः से बड़ी चाहिए तो छः से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी देखिए छः से बड़ी चाहिए तो सात है आठ है नौ है दस है हमें कितने अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं चार अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं कितने में से देखिए दस में से तो यहाँ पर लिख दीजिए चार बटे दस दो से काट दीजिए दो दूनी चार दो बटे ये पा हमारे पास क्या आ गया छे से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की हमारी जो प्रायिकता है वो हमारे पास आ गई है दो बटे में पांच चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है देखिए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना में क्या चाहिए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की हमसे प्रायिकता पूछा जा रहा है तो स्टूडेंट लेखिए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता चार नंबर लिख लीजिए एक अंक की एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता अब हमें क्या चाहिए अब हमें एक अंक वाली एक संख्या चाहिए तो स्टूडेंट आप लोग बताइए इसके लिए हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी देखिए ध्यान से सोचना है हमें एक अंक वाली एक संख्या चाहिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सारी संख्याएं है, हमारी एक अंक वाली हैं, इस टेन को आप छोड़ दीजिए ये हमारी दो अंक वाली संख्या है लेकिन बाकी बची हुई जो हमारी संख्याएं हैं वो एक अंक वाली है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हमारी एक अंक वाली संख्याएं हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग अनुकूल परिणाम की संख्या की बात करें तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने नौ अनुकूल परिणाम है भाई नौ में से कोई भी आ सकता है और हमें एक अंक वाली संख्या चाहिए तो एक अंक वाली कितनी संख्याएं नौ संख्याएं हैं और इन नौ में से कोई भी आ सकता है तो ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए और टोटल अगर हम लोग सभी संभव परिणामों की संख्या की बात करें तो भाई दस भी आ सकता है तो नौ एक दस तो टोटल हमारे जो संभव परिणाम है संभव परिणामों की संख्या क्या आ गई सभी टेन। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमारी एक अंक वाली एक संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो नाइन अपॉन में टेन है तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व किया चलिए अब हम लोग हमने फोर्थ नंबर को सॉल्व किया चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग इसको पढ़िए देखिए यदि आपके पास तीन हरे त्रिज खंड एक नीला त्रिज खंड और एक लाल त्रिज खंड वाला एक घूमने वाला पहिया तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक पहिया बना लेते हैं तो यहां पर आप लोग कुछ इस तरीके से ऐसे बना लेना ये हमारा क्या हो गया एक समझिए पहिया हो गया और ए जो पहिया इसमें तीन हरे त्रिज्यखंड खंड है तो चलिए हम लोग इसमें तीन हरे त्रिज्यखंड खंड बना लेते हैं तो यहां पर ए यह हमारा एक त्रिज्यखंड खंड हो गया दो त्रिज्यखंड खंड हो गया और तीन त्रिज्यखंड खंड हो गया ए जो तीनों त्रिज खंड है ए हरे वाले हैं ठीक है हरा को हम लोग जी से दिखा रहे हैं ठीक है हरा को हम लोग जी से दिखा रहे हैं समझिए हमारा है A B ग्रीन है और ए भी ग्रीन आगे देखते हैं एक नीला त्रिज्यखंड खंड तो चलिए हम लोग एक नीला त्रिज्यखंड खंड बना लेते हैं और जो हमारा नीला है नीला का मतलब ब्लू इसको हम लोग बी से दिखा रहे हैं तो यहां पर हमने बी राइट कर दिया आगे देखिए एक लाल त्रिज खंड है तो यहाँ पर हमने एक लाल त्रिज खंड बना दिया और लाल को हम लोग रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमने लाल को आर से दिखा दिया एक घूमने वाला एक लाल त्रिज खंड वाला घूमने वाला पहिया है तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं हमारा पूरा क्या है आर है ठीक है इसके बाद और हमें कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसे हम लाल ले ले रहे हैं और लाल को हम लोग आर से दिखा रहे हैं अब यहां से आप देख सकते हो क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन पढ़िए तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की, की तो 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 प्रायिकता क्या है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो तो सबसे पहले हम लोग एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता निकाल लेते हैं तो लिखते हैं एक हरा त्रिज प्राप्त करने की प्रायिकता एक हरा प्राप्त करने की प्रायिकता तो स्टूडेंट आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या तो हरा प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या की बात करें तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है हरा हरा के लिए देखिए क्या हमने लिखा जी 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 तो हरा प्राप्त करने के लिए हमारे पास तीन अनुकूल परिणाम हैं अनुकूल परिणाम है सभी संभव परिणाम कितने हैं देखिए एक दो तीन चार पांच तो अगर हम लोग सभी संभव परिणामों की बात करें तो सभी संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं पांच है तो इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या आ गई तीन बटे में पांच और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो यही हमारा इसके लिए आंसर हो गया और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है ऐसा त्रिजिखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो तो चलिए हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं लिखिए ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो जो नीला ना हो तो स्टूडेंट इस, इस बार हमें नीला नहीं चाहिए तो आप लोग अगर निकालना चाहते हो इसको तो देखिए सबसे पहले आप लोग नीला होने की प्रायिकता निकाल लीजिए और उसके बाद आप लोग वन में से माइनस कर देंगे तो आपको नीला ना होने की प्रायिकता मिल जाएगी लेकिन चलिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा तो स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नीला ना होने के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने देखिए नीला ना होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने नीला हमारा एक ही बार आएगा नीला कितनी बार नहीं आएगा एक दो तीन चार तो चार बार हमें नीला नहीं मिलेगा ये नीला ना होने की प्रायिकता हो गई नीला ना होने के लिए अगर हम लोग अनुकूल परिणामों की बात करें तो नीला ना होने के लिए कितने अनुकूल परिणाम है चार अनुकूल परिणाम है तो यहां पर हमने लिखा चार और टोटल संभव परिणाम कितने हैं एक दो तीन चार पांच तो यहाँ पर हो गया चार बटे पांच और यही चार बटे पांच हमारा क्या हो गया नीला ना होने के लिए नीला त्रिजिखंड ना प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास आ गई है चार बटे पांच और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला, है अगला क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर, तो लो पर चलते हैं तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नंबर पर चलते हैं हैं और देखते क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स को आप लोग ध्यान से पढ़िए प्रश्न दो में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर दो है क्वेश्चन नंबर दो में हमें जो भी घटनाएं दी गई हैं हमें उन घटनाओं के दी हुई घटनाओं के होने की प्रायिकताएं निकालनी है तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दो लिख लिया है और इसमें घटना क्या दी गई है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए अब यहाँ पर एक घटनाएं दी गई हैं और इन घटनाओं की प्रायिकता क्या है हमें प्रायिकता बतानी तो चलिए हम लोग सबसे पहले वन नंबर को सॉल्व करते हैं अब भाई हम लोग क्या कर रहे हैं एक पासे को फेंक रहे हैं ये हमारी घटना है ठीक है पासे को फेंकना क्या हमारी घटना है और इस पे हमें तरह तरह के परिणाम मिलेंगे और इसमें कुछ हमें घटनाएं दी गई हैं इनको प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता बताने तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को देखते हैं फर्स्ट नंबर में हमारे पास क्या है ए, ए में देखिए एक अभाज्य संख्या क्या एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी लिखिए एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता प्राप्त करने की प्रायिकता तो स्टूडेंट एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी तो अभी अभी हमने पासे में बात किया था पासे में छह फलक होते हैं और छो फलकों पर एक से लेकर के छ तक की गिनतियां लिखी होती हैं अब एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता की बात की जा रही है तो जो हमारा पासा होता है वन से छ तक इसमें नंबर्स लिखे होते हैं इन नंबर्स में अगर हम लोग दो की बात करें तीन की बात करें पांच की बात करें तो ये जो तीनों संख्याएं हैं ये हमारी कैसी संख्याएं अभाज्य संख्या है अब हमसे पूछा जा रहा है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग अनुकूल परिणामों की बात करें तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है तीन है दो भी मिल सकता है तीन भी मिल सकता है पांच भी मिल सकता है तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए तीन. कितने में 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 से में से से हमारे पास कुछ भी आ सकता है जिसमें से तीन अभाज्य संख्याएं आएंगी तो तीन और अगर हम लोग सभी संभव परिणामों की संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस बात को आप लोग समझिए जब आप लोग पासे को फेंकते हैं तो कोई भी नंबर आ सकती है आपके पास वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है फोर भी फाइव भी सिक्स भी आ सकता है लेकिन तीन बार ऐसा होगा जिसमें से हमें अभाज्य संख्याएं मिलेंगी ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए और छह हमारे संभव परिणाम यानी छो परिणामों में से तीन बार हमें अभाज्य संख्याएं मिल सकती हैं तो यहां पर देख लीजिए सभी अनुकूल परिणामों की संख्या हमने लिख दी अपॉन में सभी संभव परिणामों की संख्या इसको काट दीजिए तीन, एक तीन तीन दूनी छे तो यहां से हमारे पास क्या आ एक बटे दो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की हम लोग प्रायिकता की बात करें तो हमारे पास क्या है एक बटे दो है चलिए अब लोग वन के बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा एक अभाज्य संख्या नहीं है कि प्रायिकता क्या हो जाएगी एक अभाज्य संख्या नहीं है कि प्रायिकता क्या हो जाएगी एक अभाज्य संख्या नहीं है की प्रायिकता तो स्टूडेंट इस इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अब यहां पर ध्यान से देखिए हमने क्या कहा था पासे में पासे पर हमारे पास एक से छह तक की संख्याएं होती हैं फाइव और सिक्स अब अभाज्य संख्या नहीं यानी कि हमें दो भी नहीं चाहिए तीन भी नहीं चाहिए और पांच भी नहीं चाहिए तो अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या ना होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे देखिए एक चार छ तो तीन परिणाम हो गए अनुकूल कितने में से छ में से तो तीन एक के तीन तीन दूनी छे एक अभाज्य संख्या नहीं है कि जो प्रायिकता है वो हमारी क्या आ गई है एक बटे दो आ गई और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया चलिए अब हम लोग इस सेकेंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकेंड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा तो स्टूडेंट देखिए सेकेंड नंबर में क्या कहा जा रहा है चलिए हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर के आप लोग एक को देखिए एक को क्या एक में क्या कहा जा रहा है पांच से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पांच से बड़ी एक संख्या पांच से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता तो स्टूडेंट हमें पांच से बड़ी संख्या चाहिए तो ये जो छह तक संख्याएं होती हैं पासे में तो पांच से बड़ी हमारे पास जो संख्या है इसको हम लोग प्राप्त करने के अगर अनुकूल परिणामों की बात करें तो पांच से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने एक है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही है तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई वन फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं और जो हमारे सभी संभव परिणाम हैं तो सभी संभव परिणाम कितने होते हैं पासे में छे छओ में से कुछ भी आ सकता है तो वन अपॉइंट सिक्स और यही हमारा क्या हो गया पांच से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की हमारी क्या हो गई प्रायिकता हो गई चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं इसका जो बी नंबर है बी नंबर पर चलते हैं बी नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है पांच से बड़ी संख्या नहीं है पांच से बड़ी संख्या नहीं है कि प्रायिकता संख्या नहीं है कि प्रायिकता क्या हो जाएगी स्टूडेंट फॉर्मूला बताइए अब पांच से बड़ी संख्या ना प्राप्त करें देखिए पांच से बड़ी संख्या नहीं है तो अगर हम लोग पांच से बड़ी संख्या नहीं है की बात करें तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे वन भी मिलेगा टू भी मिलेगा थ्री भी मिलेगा फोर भी मिलेगा फाइव भी मिलेगा तो इसके लिए पांच से बड़ी संख्या नहीं है तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे पांच अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास पांच अनुकूल परिणाम हो जाएंगे कितने में से छह संभव परिणामों में से तो पांच से बड़ी संख्या नहीं है कि अगर हम लोग प्रायिकता की बात करें तो हमारे पास क्या आ गई है अपॉन में six. तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ए जो हमारा क्वेश्चन नंबर छ है हमने क्वेश्चन नंबर छे को हल कर लिया है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न पर ध्यान से देखिए तो स्टूडेंट इस, इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स था हमने इसको सॉल्व कर लिया है इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली है इस प्रश्नावली के सारे सवालों को हमने सॉल्व किया तो चलिए स्टूडेंट अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चलिए आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू